बिसम असल मैं सैद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ायजीसा ने आ, अपने ही खिलाफ़ जो रेफरेंस था उसमें जो फ़ैसला आया यानी रेफरेंस जो था वो ख़त्म और सात जजों ने उनका जो मामला था जो हकूमत ने उन पर इल्ज़ाम लगाए थे वो मामला एफ़ बी आर को भिजवा दिया कि उनकी एहलिया के नाम जो जायदादें हैं इंग्लैंड में वो Uh, क्या गोशवारों में जाहिर की गई हैं या नहीं की की गई तो इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है चैलेंज किया है रिव्यू पटिशन के ज़रिए तो उन्होंने अपने ये सात जजों ने जिस तरह मैंने कहा कि फ़ैसला था और मुख्तर फैसले में जस्टिस काजीजी फायजीसा के ख़िलाफ़ सिदा, सिदारती रेफरेंस खारिज कर दिया था और सात जजेज़ ने काजी फायजीसा की अहलिया के टैक्स मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवनीू को भेजने का हुक्म दिया था अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उन्नीस जून के अपने जो उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ नज़र ख़ानी की जो दरख्वास दायर की है उसमें मुख्तफ इख्तियार किया है कि अदालत के ने का तफसली फ़ैसला चूँकि अभी तक आया नहीं है मुझे उसका इंतज़ार है लेकिन वो तफसली फ़ैसला आया नहीं इसलिए उन्होंने वो फ़ैसला आए बगैर ही आ, ये रिव्यू पटिशन दायर कर दी है क्योंकि यह ना हो कि तफसी फैसला आने तक आ, उनके ये पास जो है लिमिट जो है आ, वो तीस दिन की होती है आ, किसी भी अदालती फैसले को चैलेंज करने के लिए तो जस्टिस काजीफा का कहना है कि कहीं वो म्याद ही तफसी फैसला आने तक जो है वो ना निकल जाए इसलिए मैंने आ, ये पटिशन दायर कर दी है आ, फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि मुख्तसर फैसले के बाद ही हालांकि तफसली फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए था गवर्नमेंट को भी लेकिन उन्होंने तफसीली फ़ैसला आने से पहले ही एफ बी आर का जो चेयरमैन है उसको तब्दील करके हकूमत ने अदालती अहकाम की दरअसल ख़िलाफ़ वर्जी की है और चेयरमैन एफ बी आर की जो तब्दीली है वो दरअसल इसलिए की गई है कि वो हकूमत जो है वो अपने मनपसंद जो नतज हैं वो हासिल कर सके इसके आगे चल के वो दरखास्त में ये कहते हैं कि एफ बी आर की जानब से दरखास्त गुजार की रहाश गह के बाहर नोटिस चश्मा करना बदनीति पर मबनी है अच्छा ये बदनीती जो है बदनीती है माफ़ कीजिएगा ये तो फैसले में लिखी हुई है ये वाली बात ये तो हुकूमत की बदनीति नहीं हो सकती या एफ बी आर की ये तो अदालत ने अपने जो मुख्तर फैसला था उसमें लिख दिया था और जस्टिस एजाज चौधरी हैं सबक जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने यही कहा था कि इन सात जजों का ये फ़ैसला मुझे समझ नहीं आया ये एक जज की इंसल्ट के मुतरदफ़ है उनकी अहल खाना की तजीक के मुतरद है और यही अपनी पटिशन में भी उन्होंने कहा है फिर दरखास्त में उन्होंने आगे चल के कहा कि फ़ारोव नसीम ने अब तक अपने दलाइल दो हिस्सों में तहरीरी तौर पर जमा कराए हैं और मैं भी मज़ीद अजाफी दस्तावेज़ जमा कराने का हक महफूज रखता हूँ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की दरखास्त में इसतदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले पर नज़रसानी करके अबूरी हुक्म को ख़त्म करे नज़रसानी दरखास्त पर फ़ैसले तक अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद रोक दिया जाए और अबूरी हुकम से पहले हमारी जेरअलतवा मतफरक दरखास्तों को समात के लिए मुकर किया जाए जस्टिस काजीफाजी की अहलिया ने दूसरी तरफ उन्नीस जून के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो भी जमा करवा दी है और इस की है उन्होंने भी कि सुप्रीम कोर्ट अबूरी हुकम के पैराग्राफ जो है तीन से ग्यारह तक की नज़रसानी करे आ, सरीना ईसा की इस्त है कि सुप्रीम कोर्ट तफसीली हुक्म में इसकी वजूहत भी ब्या भी दे और जाहिर है कि ये वजूहत जो हैं ये जो सात जज हैं उनको देते हुए इन शाल दांतों तले पसीना ज़रूर आएगा क्योंकि लॉजिक बनती नहीं कोई कानूनी लॉजिक ही नहीं है अच्छा जजों पर तनकीद नहीं हो सकती नो डाउट जजों की जात पर नहीं हो सकती लेकिन अदालती फ़ैसलों पर हो सकती है और अदालती फ़ैसला अभी तक तो समझ से बाहर है मुखसर फ़ैसला है सही अच्छा तफसीली फ़ैसला पता नहीं कब आएगा नहीं वो इंतज़ार है फ्री कैन को फ्री कैन से ज़्यादा बहरहाल जो फ्रीक अव्वल है जिसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है उसको तो शदीद इंतजार है क्योंकि दूसरी तरफ से तो तफसली फ़ैसले का इंतज़ार ही नहीं किया गया और एफ बी आर ने कार्रवाई शुरू कर दी है तो गुजारिश ये है कि तफसी फैसला जो लिखेंगे उसमें अदालती फ़ैसलों में रीजनिंग देनी पड़ती है कि हम मिस्टर ए को ये इजाज़त दे रहे हैं तो उसकी लीगल ग्राउंड्स ये ये हैं अब आपने यानी जो सात जज हैं उन्होंने दस जजों पर मुश्तबल बेंच था दसों ने तकरीबन हाँ दस जजों ने ही आ, ये किया कि जो रेफरेंस था वो ख़ारिज कर दिया ख़ारिज करने की बुनियाद उन्होंने बताई या तो वो गैर कानूनी हो सकता है यानी गैर कानूनी होने की बुनियाद पर यह रेफरेंस सिदारती रेफरेंस ख़ारिज किया जाए एक तो ये ग्राउंड हो सकती दूसरी ग्राउंड ये हो सकती है कि ये बदनीयती पर जिस तरह के अदालती आर्गमेंट्स थे कि ये रेफरेंस जो है ये बदयानती या बदनीयती पर मबनी है आ, और ये आप बेसिकली किसी जज को आ, सबक सिखाना चाहते हैं जस्टिस अता उमर इस बेंच के सरबरा थे आ, उनका दो टोक कहना था कि आप, आप ये जो केस है बदी नज़र में ये लगता है कि जब कोई जज आपके ख्याल में यानी हुकूमत के ख़्याल में क्रीज से निकल कर खेलना शुरू कर दे तो आप उसको सजा देने के लिए इस तरह के काम करते हैं एक बात ये होगी लेकिन जब उन्होंने फ़ैसला दिया तो रेफरेंस को कायम रखा दूसरे लफ्जों में या चले मैं इसको और सादा कर देता हूँ कि रेफरेंस खारिज कर दिया लेकिन जिन इल्ज़ाम पर रेफरेंस खड़ा था उस उन इल्ज़ाम को आपने काबिल तस्विया समझ लिया तो फिर ये फैसला बुनियादी तौर पर रेफरेंस खारिज करने के का जो फ़ैसला है जो दस जजों का मुतफ़ा फ़ैसला ये उस फैसले की ख़िलाफ़ वर्जी है या यूँ कह लें कि ये उसके बरअक्स फ़ैसला है कि एक तरफ तो आप ख़ारिज कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड नहीं बता रहे कि हम इसको ख़ारज क्यों कर रहे हैं बदनीति पर कर रहे हैं कि यानी अनलाफुल कह के डिक्लेयर करके आप उसको खारिज कर रहे हैं वजह नहीं बताई गई फिर उन इल्ज़ाम को आप दुरुस्त मान के काबिल तस्फिया मान के आप मामला एफ बी आर को भेज रहे हैं कि आप टैक्स के मामला देख लें फिर वो जनाब बड़ा तज़ी का मेज़ रवैया है बकौल एक सुप्रीम कोर्ट के सबक जज के, के जी के जो एफ़ बी आर का नोटिस है उनकी बीवी और बच्चों के नाम जारी किया जाएगा उनके घर के बाहर चस्पा किया जाएगा मतलब ये वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अगर आपको वो इतने ना पसंद हैं तो फिर आप रेफरेंस जो है उसको जायज़ मान लेते और उनको अदलिया से ख़ारिज कर देते निकाल देते किसने आपका हाथ रुखा था आ, लेकिन बहरहाल इस तरह के सवाल जो थे वो मतयल्ला जान कोर्ट रिपोर्टर हैं हमारे आ, सीनियर हैं वो उन्होंने ये सवाल जो थे आ, बड़े लॉजिकल सवाल थे इन पर उन्होंने ट्वीट किया ट्वीट किया तो जवाब में एक किसी शख्स ने उनके ख़िलाफ़ आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन डाल दी कि जी के ये आज़ाद अदलिया की तोहन है इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला उन्होंने इस केस की हरिंग की समात की और कच्ची पेशी पर ही इसको खारिज कर दी ये पटिशन यानी उस पर नोटिस भी नहीं किए किसी को और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी अपने फ़ैसले में लिखा कि अदलिया की आज़ादी जो है वो किसी एक ट्वीट की वजह से ख़तरे में नहीं पड़ सकती लेकिन उसी रोज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर नोटिस ले लिया सो मोटो नोटिस और उस पर जो है यानी वफाक को नोटिस जारी कर दिए तो कहने का मकसद ये है कि जब फ़ैसले बजाते ख़ुद अपने मुंह से बोल रहे हों कि वो किसी कानून बल्कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कहना चाहिए या इसको कहना चाहिए कि जिनका कोई कानूनी जवाज़ बज़ाहिर समझ ना आ रहा हो कोई लॉजिक जो होती है वो समय मन तक कानूनी मन तक इसका प्रॉपर लफज है कानूनी मन तक जो है वो आपके फ़ैसले में सुझाई ना दे तो फिर लोग फ़ैसलों पर तनकीदरूर करते हैं और जो बुनियादी तौर पे फैसलों को जो अगले फोरम पे चैलेंज किया जाता है वो बुनियादी तौर पर अदालती फ़ैसलों पर तनकीद ही होती है आ, और उनका तनकीदी जायज़ा ही लिया जाता है तो अगर ये किसी ने कहा कि जी कि ये सात जजों ने बुनियादी तौर पे अपने ब्रदर जज के ख़िलाफ़ फैसला दिया तो ये कौन सी बुरी बात है आ, जिस तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने फैसला दिया कि जी के रेफरेंस जो है वो ख़ारिज है लेकिन रेफरेंस में लगाए गए इल्ज़ाम वो कायम हैं उनकी जो है वह एफ बी आर तफ्तीश कर ले तो फिर आप क्या करने बैठे हुए थे आपके सामने सारी चीज़ें आ गई थी ये कोई मामला तफ्तीश तलब तो था नहीं और बहरहाल ये ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहिए क्योंकि मामला सब जुडिस है आ, लेकिन मामला सिर्फ इतना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले जो उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया है ख्वाजा बरदरान यानी कि ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई के मतलब पैरागॉन सिटी जो नैब रेफ़रेंस था उसमें उनका बेल पटिशन थी उसमें तफसीली फ़ैसला जारी किया उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो बातें ही असल बात है सुप्रीम कोर्ट की और बाकी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ये फ़ैसला उनको पढ़ना चाहिए पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है ये वाला फैसला जो ख्वाजा बरदरान के हक़ में आया है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको सैंतालीस साल दस्तूर बन के हो चुके हैं या गुजर चुके हैं सैंतालीस साल लेकिन पाकिस्तान के अवाम को आ, वो जो आइन ने उनको हकूक़ दिए हैं और जो अदारों की हदूद और क्यूद कायम की हैं दस्तूर पाकिस्तान ने उन पर अमल नहीं होता और अवाम को उनके हकूक़ नहीं मिलते अवाम तो दूर की बात है सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं मिल रहे सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फ़ायज़ ईसा का जो मुकदमा है वो बुनियादी तौर पर तो ये है ना कि उन्होंने अपनी क्रीज से निकल कर खेला और क्रीज़ क्या थी क्रीज़ ये थी कि जो पाकिस्तान के दस्तूर ने जो पाकिस्तान के अदारों के हदूद और किरदार मतिन किया है कुछ अदारे हमारे उनसे बाहर निकल के खेलते हैं धरना केस था फैज़ाबाद वाला उसमें उनका ये फ़ैसला था जिसमें उन्होंने उस वक्त के एक अफसर आईएसआई के जो अब आईएसआई के डीजी हैं जनरल फैज़ उनके बारे में खुल के लिखा कि इन्होंने जो रोल प्ले किया वो उनको दस्तूर उसकी इजाज़त नहीं देता था आर्मी एक्ट उसकी इजाज़त नहीं देता तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो कोई नहीं हुई उनको बल्कि उनको तरक्की मिल गई वो उसी अदारे के डीजी बन गए यानी वो आजकल भी डीजी आई एस हैं आप जानते हैं लेकिन हुआ ये कि ये फैसला देने वाले जज के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस आ गया और रेफरेंस जो मैंने कहा आपको कि किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है सात जजों ने बेसिकली अपने ऊपर से मलबा उठा के हुकूमत के ही कोर्ट में फेंक दिया है कि आपने जो करना है कर लें या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाद में देख लेगी लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में जो सादा लफ्ज़ों में अगर कहें तो इस तरह के जो जज हैं उनकी उम्र जो है ए, तबीयी उमरनी की बात मैं नहीं कर रहा उनके अहदे की जो उम्र होती है वो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं चलती जस्टिस शौकत सदीकी हम देख चुके हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो जलीले ही हो रहे हैं दूसरे लफ्जों में ये लफ्ज़ मैं माफ़ी चाहूँगा अगर ये तोहन अदालत के ज़ुमे में आता है लेकिन वो जली हो रहे हैं और उनका मुकदर यही है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो पाकिस्तान की रियासत का करेक्टर है उसमें अगर हम देखें उसकी रोशनी में तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का पाकिस्तान की अदलिया में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता फ़िलवत के लिए इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया